है पावर पैक और जिसके बारे में अमित जी बताने वाले हैं। बताइए अमित सर। इसको पावर पैक बोलते हैं। ये हैंडल है, ये अपना स्ट्रेस के वाल है। अगर हैंडल को आगे दबाएंगे तो अपना स्ट्रेस यहाँ पे डेवलप होगा, और प्रेशर गेज जो है वो स्ट्रेस का है, ये वाला ये लॉकिंग के लिए प्रेशर गेज है। दोनों प्रेशर गेज अलग अलग है। ये अपना वाल है लॉकिंग के लिए, जब अपना स्ट्रेस कंप्लीट हो जाता है, फाइनल हो जाता है, फिर उसको हम हाइड्रोलिक प्रेशर से लॉक करते हैं। जितना अपना स्ट्रेसिंग का प्रेशर है उसका 75% प्रेशर पे लॉक करते हैं। तो लॉकिंग के लिए ये सिस्टम है। पावर पैक को चालू करना, उससे पहले हमें ये जो वाल दिया है, ये रिलीफ वाल बोलते हैं इसको। ओके। रिलीफ वाल पहले ढीला होता है, अगर इसको जब तक लॉक नहीं करेंगे तब तक ऑयल आगे नहीं बढ़ेगा, प्रेशर जनरेट नहीं होगा, इसलिए ये प्रेशर वाल को हम लॉक कर देते हैं। ओके। लॉक करने के बाद अपना मोटर से उसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद अपना स्ट्रेसिंग सीक्वेंस चालू करते हैं जिस हिसाब से डिजाइन में दिया है। स्टार्ट। चलो 50 मारे। 1 2 3। 3 नंबर केबल में अभी लगाया है। अभी 3 नंबर केबल है। उसको हर 50-50 के इंटरवल पे हमें चेक करना है उसका इलोंगेशन, तभी हम 50 kg प्रेशर देंगे। वो अपना सेकेंडरी साइड हो गया। 40 50। ओके। 26। अभी हम कौन देखने पड़ रहे हैं। 100। ओके। 40 40 40। 2 3। 40 50। ओके। 51 51। 3 न्यू 200। ओके। क्या 65। स्टेशन कंप्लीट हो गया। स्टेशन कंप्लीट होने के बाद अब क्या करेंगे? अब उसका जो प्रेशर है अपना 390 उसका 75% यानी 360 kg पे हम लॉक करेंगे उसको। लॉकिंग का लीवर है। लॉकिंग का लीवर है। 360 लॉक करो। 60 kg पे आ गया। अब इसके आगे नहीं बढ़ेगा, हमने लॉक कर दिया इसको। ओके। लीवर से जितना भी स्टॉक मारेंगे, हाइड्रोलिक प्रेशर से अंदर रैम होता है, लॉकिंग रैम, वो अपना जो लाइव एज है उसके ऊपर प्रेशर जनरेट करता है। यानी जो अपना लाइव एज है वो एंकर हेड के अंदर फिट हो जाता है 360 kg प्रेशर पे। चलो अब रिलीज। अब अपना लाइव एयर लॉक हो गया है। हाँ। तो अब हम अपना जो प्रेशर डेवलप किया उसको रिलीज करेंगे। रिलीज लीवर ओपन करते हैं। धीरे धीरे इसको ओपन करेंगे। अब ये रिलीज हो ₹450। 350। हमने जो पहला रीडिंग लिया था 50 पे, तो उस पर हमें उसको रोक के फिर से 50 पे हम रीडिंग लेंगे। फिर एक रीडिंग लेंगे जो हमें स्लिप बताएगा, रिलीज करते टाइम रिलीज करते, अब वो स्लिप बताएगा कि कितना हमें अपना स्लिप आया। हमने मेजर कर लिया 29 1029। रिलीज करते हैं बाद में, तो अपना जो स्लिप आया वो हमें मेजर करके बताया उसने।
और इसको हम जीरो कर देंगे, यानी अपना जो जैक के ऊपर प्रेशर दिया था वो पूरा रिलीज हो गया है। अब हम जो बाहर निकला हुआ रैम है अपना उसको अंदर ले लेंगे, यानी स्ट्रेसिंग का अपना जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो गया। रिटर्न